हे फ्रेंड्स, राजेश हियर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे जो आपका Xiaomi का फोन है जिसके अंदर आपको काफी सारे जो है ट्रैकर देखने को मिलते हैं जो कि बैकग्राउंड पे हमेशा रनिंग रहते हैं, उनको आप ब्लॉक कर सकते हैं विदाउट पीसी और विदाउट रूट के, और कैसे जो है जितने भी एड्स आपको Xiaomi के एप्लीकेशंस में देखने को मिलते हैं जो कि हमेशा आपके बैकग्राउंड पे रनिंग रहते हैं और आपकी रैम यूसेज पे भी उनका इफेक्ट पड़ता है, उनको भी आप डिसेबल कर सकते हैं इजीली। तो आज का वीडियो उसी के ऊपर है। एंड में मैं आपको एक बोनस टिप भी बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक जरूर कर दीजिएगा। आप में से काफी लोग जो है हमारे वीडियोस को तो वॉच करते हैं बट सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के टाइम पे हर मैन्युफैक्चरर जो है अपने फोन्स में कुछ एड्स देता है ताकि उनको कुछ रेवेन्यू जनरेट हो सके उन एड्स के थ्रू। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, उन एड्स को डिसेबल करना है, और एंड में बताऊंगा कैसे जो है आप गूगल और MIUI के जो ट्रैकर्स हैं उनको भी आप डिसेबल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, अपने फ़ोन की जो सेटिंग्स हैं आप उसके अंदर जाइए। फ़ोन की सेटिंग्स में आप जाएंगे, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के अंदर आप जाते हैं तो आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलता है ऑथराइजेशन एंड रिवोकेशन। इसके ऊपर जाएंगे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक MSA जो कि MIUI ऐड से रिलेटेड है और एक MIUI डेमो। इन दोनों को आप यहाँ से डिसेबल कर दीजिए। ये जो है मोस्टली जो है आपके फोन्स के अंदर आपको एड्स प्रोवाइड करते हैं, आपकी एक्टिविटीज को भी ट्रैक करते हैं साथ साथ, यानी कि एक तरीके के ट्रैकर भी होते हैं और उसी ट्रैकिंग के थ्रू आपको एड्स भी प्रोवाइड करते हैं। ये MIUI 12.5, MIUI 13 सभी के ऊपर काम करेगा। उसी तरीके से जो MIUI डेमन का है एप्लीकेशन है इसको भी आप डिसेबल कर देंगे, तो इसको भी यहाँ से डिसेबल कर दीजिए। तो ये देखिए थोड़ी देर में जो है यहाँ पे आपको जो है रिवोकिंग की ऑप्शन आ जाएगा, आप रिवोक कर दीजिए। साथ ही साथ आपको पता ही होगा कि आपके फ़ोन के अंदर गेट ऐप्स का एक ऐप आता है जिसके अंदर आपको काफ़ी सारे एड्स देखने को मिलते हैं और उनके थ्रू आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिलते हैं, तो आप इसको भी यहाँ से एक बार डिसेबल कर दीजिए। तो इससे ये होगा क्या कि गेट्स ऐप जो है आपको जो ट्रैक करता है कि कौन कौन से ऐप्स आप अपने फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं, क्या आपकी डेली एक्टिविटीज़ हैं, उसको भी आप डिसेबल कर देंगे और वहाँ से भी एड्स जो है अब आपको डिसेबल हो गए। तो ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप, जहाँ से आप ऑथराइज एंड रिवोकेशन से जाके इन तीन एप्लीकेशंस को आप डिसेबल कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप अपने क्या करना है, कई बार जो है आपके जो फ़ोन की कुछ चीज़ें होती हैं वो आपको ट्रैक करती रहती हैं, यानी कि आपकी प्राइवेसी को भी वो ट्रैक करती हैं। तो उसके लिए भी क्या कीजिए, आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स में ही जाइए, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में देंगे, यहाँ अब आपको एक प्राइवेसी का भी ऑप्शन यहाँ पे आपको विजिबल देखने को मिलता है। आप इसके ऊपर यहाँ पे टैप कीजिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ चीज़ों को यहाँ पे आपने डिसेबल कर दिया है। थोड़ा सा आप नीचे जाइए, आपको एक यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐड सर्विसेज, ऐड सर्विसेज के ऊपर टैप कीजिए। यहाँ पे एक ऑप्शन है पर्सनलाइजेशन ऐड रिकमेंडेशंस, इसको भी आप डिसेबल कर देंगे। तो इससे ये होगा कि अब आपका फ़ोन जो है आपको ट्रैक नहीं करेगा, जितने भी पर्सनल चीज़ों को वो ट्रैक कर रहा था वो भी एक तरीके से ट्रैकिंग एप्लीकेशन बंद हो जाएंगी और अब आपको उनके थ्रू जो एड्स आपको देखने को मिलते थे वो भी आपको एड्स देखने को मिलेगी। ये किस तरीके से काम करता है मैं आपको बताता हूँ। सपोज कीजिए कि आपने गूगल ब्राउजर को ओपन कर रखा है, वहाँ पे आपको USB ड्राइव को स्कैन कर रहे हैं यानी सर्च कर रहे हैं सॉरी, तो उस USB ड्राइव के जो सर्च की जो क्वेरीज होंगी उसके बाद जो आपको काफ़ी सारे एड्स हैं उन एप्लीकेशन के ऊपर, काफ़ी एप्लीकेशन के ऊपर आपको देखने को मिलेगी, चाहे वो फेसबुक हो चाहे इंस्टाग्राम हो, तो इस तरीके से वो ट्रैकिंग को बंद कर देता। तो इसको भी आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। और थर्ड चेंज जो आपने क्या करना है, अपने सिक्योरिटी की एप्लीकेशन में जाइए। आप सिक्योरिटी की एप्लीकेशन में जाएंगे, यहाँ पे जो सेटिंग का ऑप्शन है आप इसके ऊपर यहाँ पे जाइए, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है रिसीव रिकमेंडेशंस, यानी कि आपको ये कुछ रिकमेंडेड ऐप्स वगैरह बताएगा कि कौन से ऐप्स आपके फ़ोन के लिए बेटर हैं कौन से नहीं हैं। तो यानी यहाँ पे भी ये आपके फ़ोन को ट्रैक कर रहा है, आपकी बैटरी को भी कंज्यूम कर रहा है और आपको यहाँ से एड्स की नोटिफिकेशन भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो आप इसको भी यहाँ से डिसेबल कर दीजिए। तो हमने अब मी सिक्योरिटी की जो ऐप है उससे भी इसको डिसेबल कर दिया है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपके फ़ोन के अंदर आपको मी म्यूज़िक का एक ऐप यहाँ पे देखने को मिलता है, तो उसके अंदर भी आपको कई बार जब आप म्यूज़िक प्लेयर को यूज़ कर रहे होते हैं आपको वहाँ पे इसके एड्स वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो आप मी म्यूज़िक पे जाइए, मी म्यूज़िक पे आपको जाना है, उसके बाद जो आपको जो सेटिंग का ऑप्शन है इसके ऊपर आप टैप करेंगे, यहाँ से जो सेटिंग्स का ऑप्शन है इसके ऊपर आप जाइए। इसके अंदर भी आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे एडवांस सेटिंग, एडवांस सेटिंग्स में आप जाएंगे थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको कुछ ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जैसे शो एड्स जो कि इनेबल होता है या फिर शो ऑनलाइन रिकमेंडेशन ऑन स्टार्टअप, तो इन दोनों को भी आप डिसेबल कर देंगे। तो अब आपको जो है मी म्यूजिक प्लेयर में भी जो एड्स आपको विजिबल हो रहे थे कि जो आप सॉन्ग प्ले कर देते हैं, उसके बाद जो है आपको एक पॉपअप विंडो वहाँ पर देखने को मिलती थी कि आप इस सॉन्ग को प्ले कर सकते हैं या इसको डाउनलोड कर सकते हैं या इस एल्बम को सर्च आउट कर सकते हैं, तो वो भी अब यहाँ से डिसेबल हो जाएंगे, यहाँ से आप उसको भी डिसेबल कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, आपको आपके फोन के अंदर जो है फाइल मैनेजर देखने को मिलता है। तो फाइल मैनेजर में भी आपको काफी सारे एड्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं कई बार, तो इसके भी सेटिंग्स में आप जाइए। सेटिंग्स में आपने क्या करना है, ये जो सेटिंग्स का ऑप्शन है इसके ऊपर जाएंगे आप, इसके अंदर भी आपको काफी सारे यहाँ पे एड्स देखने को मिलते हैं। तो अबाउट के पेज पे जाइए, तो यहाँ पे जो रिकमेंडेशंस हैं इसको भी आप यहाँ से डिसेबल कर दीजिए। तो इससे ये होगा कि मी फाइल मैनेजर भी जो है आपको सर्च नहीं कर पाएगा, यानी ट्रैक नहीं कर पाएगा, और जो आपको रिकमेंडेशंस मिल रही थी एप्लीकेशन की वो भी अब आपको यहाँ पे मी फाइल मैनेजर के थ्रू एड्स वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अब उसके बाद जो आपने क्या करना है, आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन भी आपको फोन में यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो डाउनलोड के भी आप सेटिंग्स में देखोगे, कई बार आप जो डाउनलोड करते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ पॉपअप विंडोज देखने को मिलती हैं या फिर कुछ एड्स यहाँ पे विजिबल होते हैं कि इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए या इस गेम को आप डाउनलोड कर लीजिए। तो उनको भी डिसेबल करने के लिए आप अपने फ़ोन की इसके मेन्यू की सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में आपने जाना है, यहाँ पे एक ऑप्शन है शो रिकमेंडेड कंटेंट, इसको भी आप यहाँ पे डिसेबल कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो अब ये जो है आपको कोई भी रिकमेंडेड कंटेंट या एप्स वगैरह जो आपको सजेशन देता था वो अब आपको यहाँ पे प्रोवाइड नहीं होगी। तो इस तरीके से जो है आप अपने Xiaomi फोन के अंदर जो है काफ़ी सारे एड्स को जो है यहाँ पे आप इजीली डिसेबल कर सकते होंगे। अब काफ़ी लोग जो है अपने फ़ोन के अंदर MIUI के थीम्स को डाउनलोड करते हैं, थीम्स में भी आपको काफ़ी एड्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो आपने थीम्स को ऐड को ब्लॉक करने के लिए क्या करना है, आपका जो अकाउंट सेक्शन है उस पर जाइए प्रोफाइल के, वहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है। सेटिंग के ऑप्शन पे जाएंगे, शो एड्स को डिसेबल कर दीजिए और पर्सनलाइज रिकमेंडेशंस इनको भी आप यहाँ से डिसेबल कर देंगे। उसके बाद ये होगा, इन दोनों ऑप्शंस को डिसेबल करने के बाद आपको जो थीम स्टोर में एड्स देखने को मिलते हैं या पॉपअप विंडोज देखने को मिलती या फिर नोटिफिकेशन से आपको एड्स आते थे वो अब आपको यहाँ पे विजिबल नहीं होंगे। अगर आप अपने फ़ोन के अंदर लैग या स्पीड का कुछ परफॉर्मेंस का इशू देख रहे हैं तो उसके ऊपर मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उनको फॉलो करके आप अपने फ़ोन की परफॉर्मेंस को काफ़ी बेटर कर सकते हैं। तो इसीलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा कि डे बाई डे आपको ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स Xiaomi रिलेटेड फोन या फिर एंड्रॉइड के रिलेटेड आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो ये तो हो गया कि आपने Xiaomi के एड्स जो है यहाँ पे डिसेबल कर दिए, बट यहीं ये चीज़ें खत्म नहीं होती है। आपके फ़ोन के अंदर काफ़ी सारे गूगल के थ्रू ट्रैकर आते हैं या फिर Xiaomi के थ्रू ट्रैकर आते हैं जो आपकी एक्टिविटीज़ को ट्रैक करते हैं, उनको डिसेबल करने के लिए काफ़ी सारी वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ, बट उसके अंदर आपको पीसी चाहिए होता है उन एप्लीकेशन को डिसेबल करने के लिए। बट आप एक सिंपल से एप्लीकेशन के थ्रू उनको डिसेबल कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जिसका APK फाइल हमने डाउनलोड कर रखी है, जिसका नाम है BlockADA। इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे, जैसे आप इंस्टॉल कर लेंगे आपने इसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, आपको अपने डिवाइस के लिए उन चेंजेस को यहाँ पे अप्लाई करना है। तो ये देखिए एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई है, ओपन करेंगे, ओपन करते ही आपको यहाँ पे ये देखिए थर्ड जो ऑप्शन है एडवांस वाला, इसके ऊपर आप जाइए, जो ब्लॉक लिस्ट है इसके ऊपर जाएंगे, इसके अंदर जो है आपको एक ऑप्शन सर्च करना है यहाँ पे गुड बाय एड्स, इसके ऊपर टैप कीजिए, स्टैंडर्ड को डिसेबल कर देंगे यहाँ से आप और Xiaomi को सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि आप Xiaomi का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड को हमने डिसेबल कर दिया, Xiaomi को यूज़ कर लिया, अब उसके एक्टिविटीज़ पे जाएंगे, टैप टू एक्टिवेट और कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, जितने भी इसके अंदर जो ट्रैकर्स वगैरह होंगे उन सब की लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिली, कितने एड्स इसने ब्लॉक किए हैं। उसके बाद अपने फ़ोन को आप थोड़ी देर यूज़ कीजिए, जो जो एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद जो है ये सारे के सारे एप्लीकेशन को ट्रैक करेगा और आपको फ़ोन के अंदर उन सबको ब्लॉक करता रहेगा जो जो आपके फ़ोन को ट्रैक कर रही है। तो ये देखिए थोड़ी देर में जो है आपको यहाँ पे कुछ लिस्ट भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, देखिए काफ़ी चीज़ें जो है इसने यहाँ पे ट्रैक करना स्टार्ट कर दी हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको जो है अब ये यहाँ पे ग्राफ पे आपको यहाँ पे शो करना स्टार्ट कर देगा। तो ये देखिए एक मेजरमेंट का ऐप था जिसको इसने ब्लॉक कर दिया है, जो कि आपके फ़ोन को ट्रैक कर रहा था। तो जितनी देर आप फ़ोन को यूज़ करेंगे, मैंने इसको यूज़ किया है, इसने अराउंड जो है 146 ऐसे ट्रैकर्स थे जिनको यहाँ से डिसेबल किया था। तो इस एप्लीकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके थ्रू जो है आप अपने फ़ोन के अंदर जो काफ़ी सारी जो ट्रैकिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको आप डिसेबल कर सकते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली जो है अपने बैकग्राउंड में काम करेंगी और जितने भी ट्रैकर्स हैं वो अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिसेबल होते रहेंगे। तो ये देखिए लिस्ट जो है बढ़ती जा रही है, कुछ देर में आपको यहाँ पे और भी लिस्ट मिलेगी, जितनी देर आप फोन पे यूज़ करेंगे काफ़ी टाइम लेता है ये। तो इस तरीके से आप इन ट्रैकर्स को डिसेबल कर सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कौन सा वॉलपेपर है और कौन सा आइकन पैक यूज़ कर रहे हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम पे उनको जाके कलेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें आप अपने Xiaomi से कम्प्लीटली जो है सभी के सभी एड्स को रिमूव कर सकते हैं और ट्रैकर्स को भी डिसेबल कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल के सपोर्ट एंड मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।